सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है पेपर फर्स्ट के अंदर हायर एजुकेशन और पॉलिटिक्स दोनों के मिला के टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि हायर एजुकेशन में से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि हायर एजुकेशन के अंदर हम कौन सी चीज़ पढ़ें, क्या लर्न करें, क्या ना करें। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि बहुत से दोस्तों को मैंने देखा है कि वो अनाप शनाप की चीज़ें पढ़ते रहते हैं और अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन के लिए हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हायर एजुकेशन के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है और कौन से टॉपिक हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी का एक सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर देता हूं कि बहुत से दोस्त कहते हैं कि हम 2010 से पहले के क्वेश्चन पेपर रीड आउट करना चाहते हैं, उन्हें पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 2012 से पहले यानी कि CBSE से पहले जो UGC नेट एग्ज़ाम लेती थी तो उनका पैटर्न जो होता था वो बिल्कुल अलग होता था, लेकिन जब से CBSE ने लेना स्टार्ट किया था तो उनका जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया था। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि 2012 से पहले जो ओल्ड पेपर है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनके अंदर जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है और अब जो पैटर्न आ रहा है वो बिल्कुल अलग आ रहा है। और अभी जैसे कि NTA NET ने भी कहा था कि पहले जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि CBSE का जो पैटर्न आता था वही पैटर्न हमारा NTA NET एग्ज़ाम के अंदर आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए ध्यान देने वाली ये है कि हमें इसमें पढ़ना क्या है हायर एजुकेशन के अंदर। देखिए दोस्तों अगर हायर एजुकेशन के अंदर वैसे लेके चले तो बहुत बड़ा सिलेबस है इसके अंदर, और काफ़ी दोस्तों को मैंने देखा है कि हायर एजुकेशन की बिल्कुल डिटेल में चले जाते हैं, वो बहुत उसकी पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे बना था, क्या हुआ था, कौन कौन सी कमेटी वगैरह बनी थी, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं और वो अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट उसके अंदर कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ उन्हें पढ़नी चाहिए, जो रियल में CBSE नेट या NTA NET एग्ज़ाम में आती है, वो उससे वंचित रह जाते, वो उन्हें नहीं पढ़ पाते। तो हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाए, हम केवल और केवल वही चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन और वही टॉपिक दिखाऊंगा हायर एजुकेशन के अंदर जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब ये देखिए दोस्तों जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है, और दूसरा इन्होंने 38 नंबर क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। तो दोस्तों यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जितनी भी अपनी हायर एजुकेशन बॉडीज़ है, जो संस्थाएँ हैं, उनको करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए। तो दोस्तों हमारे लिए क्या करना ज़रूरी है कि जितने भी जैसे UGC नेट हो गया, CBSE हो गया, NCERT हो गया, NCTE हो गया, ठीक है, इस तरह की जो भी संस्था है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनको सबसे पहले आप रीड आउट कीजिए, उनकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखिए कि क्या क्या है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून 2013 में इन्होंने UGC के बारे में पूछ लिया कि उसकी कार्यप्रणाली क्या है और क्या उसमें इम्पोर्टेंट है, और आगे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसमें से पूछते। अब ये देखिए दोस्तों ये अपना क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पूछ लिया, और आगे इन्होंने 33 में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल के बारे में इन्होंने पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि कहीं भी इन्होंने हिस्ट्री के बारे में नहीं पूछा, कहीं भी इन्होंने कमेटी के बारे में नहीं पूछा, तो ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और आगे हम देखते हैं कि अब ये देखिए दोस्तों दोबारा से फिर इन्होंने NAC के बारे में पूछ लिया, यानी कि वही बात घूम फिर के आ रही है दोस्तों कि जो हमारी संस्था है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनको रीड आउट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर हम बात करें कि इसके अलावा संस्था के अलावा क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आगे आता है दोस्तों हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भारत के अंदर टोटल कितनी यूनिवर्सिटी है और कितने प्रकार की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और उनकी कार्य प्रणाली क्या है, क्या क्या फंक्शन है, वो हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर हमने नोट्स भी बना रखे हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, 3 से 4 नोट्स बना रखे हैं, वो नोट्स आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, वो नोट्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर भी इन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लिया, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लिया। विश्वविद्यालयों ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है, कहाँ पे अपनाया ये हमें बताना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में ये पूछ रहे हैं। और आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए दोस्तों दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने फिर से विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लिया, फिर विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर संस्था के बारे में पूछ लिया। और आगे हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए दोस्तों जून 2015 में इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछ लिया, कितनी थी 2015 में। और आगे देखिए आगे ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के बारे में इन्होंने पूछ लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या टॉपिक आ रहे, क्या टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आगे अभी मैं आपको लेटेस्ट दिखाता हूँ, लेटेस्ट के अंदर क्या है, यानी कि 16 में 17 में क्या पूछा था। अब ये देखिए दोस्तों नैक के बारे में फिर से आ गया, नैक के बारे में अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इससे पूछने की काफ़ी संभावना रहती है। तो आप नैक के बारे में अच्छे से पढ़ लेना कि नैक क्या चीज़ है, ये क्या क्या करती है और उसके क्या क्या काम वगैरह, ये सभी चीज़ें आप पढ़ लेना। और अभी हम बात करते हैं अगर 2017 के क्वेश्चन पेपर की, तो ये देखिए दोस्तों जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से पढ़िए कि कितनी तरह की यूनिवर्सिटी होती है और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और दोस्तों यूनिवर्सिटी से संबंधित और भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि किस यूनिवर्सिटी को वो रैंकिंग मिली है, NIRF रैंकिंग मिली है, ठीक है, और किस यूनिवर्सिटी को राष्ट्रपति जो विजिटर अवार्ड जो होता है वो किसे मिला है। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है वो भी हमारे लिए करना ज़रूरी है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये देखिए वही बात आ गई, अभी हम बात कर रहे थे NIRF रैंकिंग के बारे में बात कर रहे थे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 47 NIRF रैंकिंग के बारे में इन्होंने पूछ लिया। और यही क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है और यही NIRF रैंकिंग के बारे में जो जुलाई 2018 में री एग्ज़ाम हुआ था, दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा हुआ था। तो रैंकिंग हमारे लिए पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं आपको बिल्कुल फ्री स्टडी नोट्स दूंगा, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगा, तो एक बार रुकिए हम देख लेते हैं। अब ये देखिए वो मैं बता रहा था कि विजिटर अवार्ड के बारे में भी इन्होंने पूछ लिया। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या करना ज़रूरी है और क्या पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं, चलिए मैं अब आपको वो दिखाता हूँ हमने जो नोट्स बना रखे हैं वो आपके लिए कितना ज़रूरी है और किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है nimiji.net के नाम से, तो दोस्तों यहाँ से आप पेपर फर्स्ट के फ्री स्टडी नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ये वेबसाइट खोलनी है और फिर यहाँ पे ये देखिए NTA UGC NET पेपर फर्स्ट स्टडी मटेरियल नोट्स इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने पेपर फर्स्ट के सभी टॉपिक आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो अपना हायर एजुकेशन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन सिस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने हायर एजुकेशन के नोट्स आ जाएंगे। हमने अभी यहाँ पे 3 नोट्स डाले हुए हैं हायर एजुकेशन के, आप ये देख सकते हैं। देखिए NIRF रैंकिंग 2018 की जो करंट की है वो हमने डाली हुई है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे डाले हुए हैं और उसके बाद में हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 नोट्स हमने डाले हुए हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल आसान है समझने में,
में तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये खुल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको NIRF रैंकिंग 2018 की पूरी कैटेगरी मिल जाएगी कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही थी, कौन सा कॉलेज टॉप पे रहा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके अलावा भी और जैसे मैं नोट्स आपको दिखाऊं, जैसे कि ये देखिए टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो टाइप्स आ जाएंगे। देखिए जैसे कि टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ नीचे आपको देखिए टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है कि क्या होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं और अभी कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो सारी चीज़ें इसमें दी है। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी दी है और दोस्तों यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने दे रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों इन सभी नोट्स का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ये नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक और अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पे हमने निमीजी नेट ऐप का न्यू वर्ज़न निकाला है, उसके अंदर काफ़ी तरह का इम्प्रूवमेंट किया है। तो आप अगर आपने ऐप इंस्टॉल कर रखी है तो आप उसे अपडेट ज़रूर कर लीजिए। जैसे कि आप प्ले स्टोर में जाके निमीजी नेट लिखना यहाँ पे और फिर ये खोलना। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपडेट लिखा हुआ आएगा तो उसे अपडेट कर लेना, और अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो उसे इंस्टॉल कर लेना। क्योंकि इसमें जैसे कि पहले प्रॉब्लम होती थी, ये काफ़ी फ़ोन में वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन अब हमने काफ़ी और वर्क किया इस पर तो सभी फ़ोन्स में ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है। और हमने और भी काफ़ी तरह का इम्प्रूवमेंट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस ऐप में कम से कम ऐड रखी है, बहुत कम ऐड रखी है, और ऐप का जो साइज़ है वो भी हमने काफ़ी कम किया है। इसमें आपको काफ़ी तरह के इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो आप इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना, और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं कि अब आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना, और अगर इंस्टॉल कर रखी है तो इसे अपडेट ज़रूर करना, यहाँ से भी आप बिल्कुल फ्री स्टडी नोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।